हेलो दोस्तों, देखिए कल हमने यहाँ पर वीडियोस बनाई थी। ओके, और इसमें मैंने आपको दो वीडियो थी, दोनों वीडियो में मैंने कुछ स्टॉक्स बताए थे, इस वीडियो में स्टॉक बताए थे। तो वो स्टॉक्स यहाँ आज के डेट में भागते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी के मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप और सारे लेवल्स यहाँ पर आपको बताया था, निफ्टी का टारगेट बताया था। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए मैंने आपको क्लियरली बताया था, जब तक ये इसका लो जो 15,183 को यहाँ पर नहीं तोड़ता, तोड़ के नीचे नहीं रहता, तब तक यहाँ पर गिरावट मत समझिएगा। और तेजी तब तक मत समझिएगा जब तक यहाँ पर इसका जो हाई है 15,400 का, मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ट्रेडिंग सेशन की। ओके, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 15,400 का जब तक लेवल नहीं तोड़ रहा, तब तक यहाँ पर तेजी भी मत सोचिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो उसी के हिसाब से देखिए यहाँ पर काम होता हुआ नजर आया। आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ऊपर इसने ऊपर तोड़ा, ना ही इसने नीचे तोड़ा, बट इसने एक कैंडल बनाई है जो कि यहाँ पर आप कह सकते हैं हैमर यहाँ पर क्रिएट करता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बराबर करूंगा, देखिए हैमर बनाया है। तो हैमर जब भी यहाँ पर बनता है, ओके, एक अच्छी खासी गिरावट के बाद जब हैमर बनता है, तो याद रखिए हैमर एक पॉजिटिव कैंडल होती है। और इस पॉजिटिव कैंडल को तब यहाँ पर माना जाता है अगर इसने आज का जो इसका हाई था 15,382, ओके, इसे यहाँ पर क्रॉस कर दिया, ये 15,350 पे क्लोज हुआ है। और यहाँ पर ये कल की डेट में 15,382 पे सक्सेसफुली पूरे दिन मार्केट में रहता है ऊपर की तरफ। तो याद रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई देगी, बट तेजी के लिए इसे यहाँ पर किस लेवल से निकलना पड़ेगा, इसे निकलना पड़ेगा 15,839 जो कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ओके, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर एक तेजी दोबारा होती हुई दिखाई देगी, जो कि इसे दोबारा यहाँ पर जो हमारा लेवल था 16,800 तक, यहाँ तक लेते हुए जा सकती है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इन पर्टिकुलर लेवल्स पे ध्यान देना है। और नीचे की बात करें तो नीचे का लेवल यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है 15,191 और 15,200 के आसपास का जो ये लो है, ओके, ये यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है। अगर इसे तोड़ देता है तो याद रखिए नीचे की तरफ डाउनसाइड मैंने बता दिया 14,301। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 आज पूरे दिन यहाँ पर एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया ऊपर नीचे, ओके, उसी दौरान। बट हम देखेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप, उसमें एक तेजी गिरावट होती हुई दिखाई दी। ओके, और वो लेवल जो हमने यहाँ पर कल अपनी वीडियो में बताए थे, वो सारे के सारे लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल आपका चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो आपको सबसे पहले मिले और आप यहाँ पर वीडियो को देख के सीख सके। और आज नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर सबसे पहली यहाँ पर टेक्निकल क्लासेस से रिलेटेड एक वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 यहाँ पर आज के दिन में पॉजिटिव डायरेक्टरी में जरूर बंद हुआ है, बट यहाँ पर इसे तेजी के लिए, कैंडल तेज वाली है, बड़ी से तेजी के लिए आज का हाई निकालना बहुत जरूरी है, इस चीज को याद रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की। निफ्टी स्मॉल कैप में कल यहाँ पर लेवल दिया गया था, यहाँ पर देखिए उसी लेवल को इसने टच करके, देखिए ये ही आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। आज जब टेक्निकल की क्लासेस होगी तो उसमें मैं आपको यहाँ पर यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने ये लेवल यहाँ पर निकाला। और इसी लेवल को यहाँ पर देखिए, इसी लाइन को कल मैंने यहाँ पर जब ये वीडियो बनाई थी तो इस पे ये लाइन खींची थी और इसी लाइन को देखिए टच करके ऊपर गया है। तो ये कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं, इस चीज को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखिएगा, और इस चीज को अगर ध्यान में रखेंगे और तो आपका लेवल भी पता चलेगा, आपको सब चीज पता चलेगी कि यहाँ पर आके या तो ऊपर जा सकता है, यहाँ पर जाके यहाँ पर नीचे गिर सकता है, ये सब चीज यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप में एक राउंडिंग टॉप बनना था, राउंडिंग टॉप यहाँ पर बन चुका है। गिरावट की बात करें तो देखिए गिरावट तो और हो सकती है, ओके, और डिपेंड करता है कि FIs कितने निकालते हैं। बट एक आज इंडियन फॉरेन जो मार्केट है, अमेरिकन मार्केट है, अमेरिका में यहाँ पर छुट्टी है आज के दिन में, और यहाँ पर आज मार्केट बंद रहेगी, कल हमारी मार्केट ओपन होगी, तो माइट भी यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज ही यहाँ पर नजर आएगा। और इसे तेजी के लिए तो यहाँ पर अगेन मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ, ये वाला लेवल 18,724, ये लेवल को अगर यहाँ पर क्रॉस करता है तो यहाँ पर तेजी होगी। इसके लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ओके, लगभग 800 पॉइंट ऊपर है। और नीचे की बात करें तो नीचे इसका जो आज का लो है 7,904, अगर यहाँ पर इसे
से निकाल देता है, तो यहाँ पर एक गिरावट भी होती हुई दिखाई देगी। और अगर गिरावट हुई तो कहाँ तक जाएगी फिर ये? फिर अगर गिरावट हुई तो यहाँ पर ये इसका लेवल खुला हुआ है 7500 का, और दूसरा लेवल खुला हुआ है 7140 के आसपास का। तो ये दो लेवल है, इनकी तरफ आपको क्या करना है, इनकी तरफ आपको ध्यान देना है। निफ्टी स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ से ज्यादा गिरावट मुझे अभी नजर फिलहाल की डेट में नजर नहीं आती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक महीने दो महीने बाद हो सकती है, बट यहाँ पर आप कंसोलिडेशन करके चीजें ऊपर जाएगी। देखिए हायर लोज बनाते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, अब यहाँ बनाया, शायद यहाँ पर ऊपर जाके यहाँ पर हाई बनाए, फिर नीचे यहाँ पर गिरावट हो और ये राउंडिंग टॉप यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, शायद यहाँ से ऊपर चले जाए या फिर थोड़ा और नीचे जाता है तो यहाँ पर 6322 तक यहाँ पर नीचे आ सकता है। तो इस हमें इन लेवल्स पे हमें ध्यान देना है, यही यहाँ पर लेवल एक एक करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये लेवल्स किसके काम आते हैं? ये लेवल्स काम आते हैं जो इंट्राडे करते हैं, जो ये लेवल्स उनके काम आते हैं जो फ्यूचर और ऑप्शन करते हैं, ओके। और ये लेवल काम नहीं आते इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो उस केसेस में यहाँ पर फायदा देगा टेक्निकल, बट कहाँ पर फायदा देगा? बाइंग के लिए, कि आपको यहाँ पर कम बाइंग करनी है। जैसे आज की डेट में यहाँ पर बाइंग बनती थी, यहाँ पर बैंक अगर कल की डेट में और गिर जाता है तो यहाँ पर भी एक बैंक बनती हुई नजर आती है। तो आपको इस तरीके से चीजें यहाँ पर ध्यान देनी है। आपको खरीदने में और बेचने में क्या यह हेल्प करेगा? टेक्निकल, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी और लॉन्ग टर्म के पर्पस से भी, और इंट्राडे में तो करते ही है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप में देखिए यहाँ पर जब कल लेवल दिए गए थे तो यहाँ पर मैंने 24,762 का लेवल दिया था, मैंने थोड़ा दूर का लेवल दिया था, बट यहाँ पर एक लेवल और यहाँ पर बन रहा था जो मैंने आपको नहीं दिया था। बट आज के डेट में यहाँ पर ये इसी लेवल को टच करके 25,000 का लेवल यहाँ पर बन रहा था, उसी के आसपास यहाँ पर आके ऊपर की तरफ बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो अगर इस लेवल को यहाँ पर निकालता है तो ये दूसरा यहाँ पर सपोर्ट नजर आएगा, अगर इन दो सपोर्ट को तोड़ देता है तो चीजें बिगड़ती हुई नजर आएगी, जो इसे शायद 23,600 और उसके बाद यहाँ पर 22,800 और 22,700 की 500 की रेंज तक नीचे खींच के ला सकती है। यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर फिर राउंडिंग टॉप बॉटम टॉप बन के चीजें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है, फिर उसके बाद शायद एक जंप होती हुई दिखाई देगी। बट इन्फ्लेशन और ये सब चीज देखते हुए, और 6 महीने तक तो मार्केट कहीं इधर उधर ऊपर जा नहीं रहा है, तो ये सब चीज देखते हुए यहाँ पर चीजें नीचे आती हुई दिखाई देगी। और लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, उसे जरूर सुनिएगा। इसके अलावा हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं एक बार, अभी एक एक करके यहाँ पर सारी चीजें देख लेते हैं। निफ्टी बैंक आप देखिए, निफ्टी बैंक ने आज एक कैंडल बनाई है, अगेन यहाँ पर एक हैमर टाइप में बनता हुआ नजर आ रहा है, इसका हाई निकाल देता है तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे सबसे पहले 33,721 को ले जाएगी। इसके लिए रेजिस्टेंस है, इसे क्रॉस करता है तो धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट यहाँ पर एक सपोर्ट अच्छे बार बार देखिए इसी सपोर्ट पे आते के ये यहाँ पर होल्ड कर रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। और नीचे की लेवल मैंने आपको बता रखे है, अगर गिरावट हुई तो सीधे यहाँ पर ये राउंडिंग टॉप बना के 30,367 का लेवल यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर आता है। तो निफ्टी बैंक देखिएगा, बट निफ्टी बैंक यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई देता है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक के जितने भी शेयर है उनके अच्छे खासे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। निफ्टी आईटी देखिए, कल मैंने यहाँ पर जब ये 5 स्टॉक्स बताए थे उसमें 3 स्टॉक्स केवल आईटी के थे, ओके, और भी स्टॉक्स बताने थे बट 5 ही मैंने लिए थे, और उनमें से अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव, डायरेक्टली में 2% 3% बंद होते हुए दिखाई दिए ऐसी गिरावट वाली मार्केट में भी। और आप देखेंगे निफ्टी आईटी यहाँ पर एक हैमर बना रहा था, हैमर को इसने क्रॉस नहीं किया है, क्रॉस किया था बट उसी लेवल पे यहाँ पर आके बंद हुआ है। यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, तो उसी लेवल को क्रॉस तो यहाँ पर अगर इस लेवल को जो ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई था उसे क्रॉस करके ऊपर की तरफ बंद होता, यहाँ की तरफ बंद होता समझ लेते हैं तो एक तेजी हम यहाँ पर देख सकते थे। अभी यहाँ पर इस तेजी के लिए 27,112 जो इसका आज का लेवल है 13, उसे यहाँ पर क्रॉस करना बहुत जरूरी है, और इस जो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई देता है इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तब जाके यहाँ पर आप तेजी के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि अगर गिरावट होती है तो यहाँ पर सीधे राउंडिंग टॉप यहाँ पर ही बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 24,311 के आसपास है, जो कि अभी नहीं तो शायद आगे के टाइम पे आता हुआ दिखाई दे सकता है, एक महीने बाद या दो महीने बाद, बट उसके बाद जब तेजी होगी तो एक अच्छी खासी तेजी होगी। निफ्टी आईटी में मैंने कल भी बताया था इनकी ऑर्डर बुक काफी बेहतरीन है सारे स्टॉक्स की, और सारे स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे खासे हमें यहाँ पर नजर आते हुए दिखाई देते हैं, सारी की सारी वैल्यूएशन यहाँ पर जस्टिफाई होती हुई नजर आती है। निफ्टी मेटल की बात करें, निफ्टी मेटल तो मैं काफी टाइम से कह रहा हूँ इसने टॉप बना लिया है, ओके, टॉप बनाने के बाद यहाँ पर बार बार यहाँ पर ऊपर से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है इसने। अब यहाँ पर एक बात करें तो यहाँ पर इसने हाई बनाया था, इसके बाद अब यहाँ पर हाई बनाया, अब थोड़ा सा ऊपर
जा सकता है, और जाने के बाद यहाँ पर इसके आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर यहाँ पर फंसा के नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है। तेजी के लिए, असली तेजी के लिए इसमें यहाँ पर इस लेवल को निकालना जरूरी है 5446 का, फिर इसके बाद इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है, तब जाके यहाँ पर सोचिएगा कि इस लेवल के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। नीचे की लेवल की बात करूँ तो नीचे मुझे ये 41,000 के आसपास, ओके 41,150 के आसपास आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर इसका एक बेहतरीन सपोर्ट नजर आता है, और आज के दिन जहाँ पर एक क्लोज हुआ है वो भी एक बेहतरीन सपोर्ट है, बट यहाँ पर मुझे नहीं नजर आता कि यहाँ पर तेजी होगी, यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट होगी, और उस गिरावट में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं मेटल के जो आप यहाँ पर एक्युमुलेट करेंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी मेटल की तरफ आपको सेम यहाँ पर ध्यान देना है। और बात करते हैं ऑटो इंडेक्स की, तो ऑटो इंडेक्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगेन यहाँ पर देखिए इसने हाई बनाया, यहाँ पर इसने एक हाई बनाया, इसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर इसने हाई बनाया, अब नीचे आ रहा है, ओके, और यहीं पर ही ऊपर नीचे आके शायद यहाँ पर बनाया, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, बट एक लंबे टाइम के बाद ये शेयर ऑटो के भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर केवल कंसोलिडेशन होने के बाद चीजें ऊपर भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो निफ्टी ऑटो ऑटो के रिजल्ट काफी बेहतरीन आ रहे हैं, तो शायद कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है।